उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने दावा किया है कि सरकार ने पूरे सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिता है। तो नाल ही उप मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में पंजाब के सारे पिंडों में विकास के एजेंडे का भी खुलासा किया। मोहाली विच मौके अध्यापकों नूं नियुक्ति पत्र वंडण दा सी। इस मौके डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने नियुक्ति पत्र वंडण दे नाल सरकार दीआं उपलब्धियां बारे भी जानकारी दित्ती। उन्होंने पंजाब नूं बिजली सरप्लस वाला सूबा बनाए जाण नूं सब तों वड्डी उपलब्धि करार दित्ता। इस तों इलावा उप मुख्यमंत्री ने पंजाब विच 4 अते 6 लेन दा जाल विछाए जाण नूं भी वड्डी उपलब्धि दस्सिया। सब तों वड्डा वादा सी पंजाब नूं कीता सी कि बिजली सरप्लस करांगे। अज पंजाब बिजली सरप्लस है। असी वादा किया कि सारिया सड़क 4-6 लेन बनाई जाएंगिया। तो मैं खुशी है कि काफ़ी बन गई। तो यह पंजाब कला हिंदुस्तान का सूबा होगा जिते हर शहर से मंडी में सीवरेज 100% सीवरेज वाटर सप्लाई तो सड़कों का काम हो जाए। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने हाले विच पुलिस के जवानों की भर्ती का जिक्र करते हुए आने वाले दिनों में होर ज्यादा भर्तियां किए जाने का यकीन दिता। असी पुलिस की भर्ती पूरी की है। तकरीबन 8,000 बच्चे बच्चियों उत्थे भी पुलिस की कॉन्स्टेबल की अपॉइंटमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी है, रिजल्ट डिकलेयर कर दिता है। अगले 15 दिन होर रिजल्ट आने हैं। आज जो प्रोसेस है सारा ही इस महीने कंप्लीट हो जाना है। उप मुख्यमंत्री ने दसिया कि सूबे के 12,000 पिंडां विच सीवरेज सिस्टम का काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।